योग भगाता है रोग। जी हाँ, इस बात से हम सब भली भांति वाकिफ है और संक्रमण के इस दौर में योग का अपना अहम योगदान है। हमारे साथ स्वामी रामदेव जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम उन लोगों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे जो लोग दफ्तर जा रहे हैं, यानी कि जिनका काम अब भी जारी है, वो घरों पर नहीं है। ऐसे में वो संक्रमण से कैसे बच सकते हैं, कैसे अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकते हैं, इस पर आप प्रकाश डालिएगा। और साथ ही अगर उन्हें समय नहीं मिल पाता है, अगर वो दफ्तर में ही मौजूद रहते हैं, उस बीच जो छोटे ब्रेक्स हैं उसमें क्या कुछ योग के जरिए वो करें ताकि उनकी बॉडी और ज्यादा मजबूत हो सके संक्रमण से लड़ने के लिए। कोरोना काल में नेहा जी सबसे महत्वपूर्ण है आप अपने लंग को मजबूत बनाएं, और लंग को मजबूत बनाने के लिए एक स्पायरोमेट्री की एक्सरसाइज भी बड़ी जबरदस्त होती है। ऐसे इसमें खींचा जाता है और जोर से खींचते हैं, जब ऐसे खींचेंगे तो तीनों के तीनों जब ऊपर खींच करके आ जाते हैं तो इसका मतलब ताकत पूरी लग रही है। जब ऐसे खींचेंगे, ये 10 बार ऐसे कर ली ना तो 10-20 सेकेंड में जबरदस्त एक्सरसाइज हो जाती है। कुछ लोग पूजा पाठ ही तो शंख बजाते थे, मैं तो चाहता हूं सब शंख बजाएं, किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपने फेफड़े को मजबूत करने के लिए घर से जाने से, ऑफिस में जाने से पहले एक बार ऐसे शंख बजा लें ऐसे। ऐसे शंख बजा लें, अथवा एक ये दूसरा स्पायरोमीटर होता है, इसमें ऐसे फूंक मार लें। जब ऐसे फूंक मारते हैं तो ये 400 तक आना चाहिए ऐसे। तो ऐसे ये कुछ छोटे उपाय तो मैंने एक लंग की एक्सरसाइज के तौर पर बताए, जो कभी भी कहीं भी किए जा सकते हैं। जब ऑफिस जा रहे होते हैं गाड़ी से, यदि आपकी प्राइवेट गाड़ी अपने कोई ड्राइवर दूसरा है तो आप अनुलोम विलोम पीछे बैठ करके कर सकते हैं। कपाल भाती कर सकते हैं, खुद भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो, और भस्त्रिका कर सकते हैं। बस कपाल भाती में खाली पेट होना जरूरी है, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम कभी भी किए जा सकते हैं। ऑफिस में जब भी थोड़ा वक्त मिले तो रिलैक्स होने के लिए, मैंने देखा कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग बीच में बियर भी पीते हैं, कुछ लोग और बर्गर पिज्जा खाते हैं, चाय कॉफी आदि पीते हैं। ये सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी को कम करने वाली है, इसलिए जब भी वक्त मिले, आपको 3 से 5 मिनट का भी वक्त मिला, अनुलोम विलोम करें। नेहा जी, ऑफिस में रहते हुए भी जैसे थोड़ा वक्त मिलता है तो उस समय एकदम सिंपल एक्सरसाइज चीजें, गर्दन में कंधों में दर्द हो जाता है, सर्वाइकल स्पोनाइटिस पेन हो जाता है, किसी किसी को तो फ्रोजन शोल्डर तक हो जाता है, तो ये एक्सरसाइज आराम से ऑफिस में भी कुर्सी पर बैठ करके या खड़े होकर के टहलते हुए की जा सकती है। और इसमें खाने का कोई विशेष नियम नहीं है, खाने के बाद कर सकते हैं, किसी भी समय की जा सकती है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कुर्सी पर बैठ के कर लें, खड़े होकर के कर लें, ऐसे टहलते हुए कर लें, कभी भी की जा सकती है एक्सरसाइज ये। फिर ऐसे इस प्रकार से श्वास भरते हुए पीछे से हाथों को ऐसे खींचा, फिर ये ऐसे, और इस प्रकार से ऐसे सामने से हाथों के लिए, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों को एक दूसरे के एंटी प्रेशर दिया, और फिर ऐसे ही कंधों को घुमा लिया, गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं, और ऐसे भी घुमा सकते। किसी किसी को तो काफी दर्द होता है गर्दन में, ऐसे गोल भी घुमा सकते हैं यदि सर्वाइकल स्पोनाइटिस नहीं है तो, नहीं सर्वाइकल स्पोनाइटिस पेन हो नेहा जी तो आगे ना घुमाएं। ऐसे ये छोटे छोटे उपाय इनको कर सकते हैं। फिर बॉडी को रिलैक्स करने के लिए 4-5 पोस्चर हैं जो कहीं भी गैलरी में कर सकते हैं, जहां पर भी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो 2 मिनट खड़े होकर के ऐसे ताड़ासन कर सकते हैं। ये ऐसे अभ्यास हैं जिसको आप कहीं पर भी गैलरी में, बालकोनी में, या चेयर से खड़े होकर के चेयर पर बैठे हुए भी कुछ अभ्यास कर सकते हैं, वो और बता देंगे। ऐसे ताड़ासन, श्वास भरते हुए हाथों को प्रदान किया, ये तिर्यक ताड़ासन, ये तो ऑफिस टाइम में भी थोड़ा ऐसे लोग
अक्सर अंगड़ाई लेते भी रहते हैं ऐसे ऐसे, तो लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लें तो ये व्यवस्थित योग हो जाएगा। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, और फिर ये कोणासन, और पाद हस्तासन, एक एक अभ्यास को ऐसे आराम आराम से 5-7 बार तक किया जा सकता है इस प्रकार से। और थोड़ा बॉडी माइंड का बैलेंस बनाना है तो वृक्षासन ये बेस्ट है। आजकल तो अक्सर ये पोस्चर देखने को मिलता ही है, तो ऐसे अपना बॉडी का माइंड का बैलेंस बनाएं। और यदि आपके बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस में बैलेंस है, आपके केमिकल्स और हार्मोन्स में बैलेंस है, वात पित्त कफ दोष का संतुलन है, तो फिर आप बीमार तो हो ही नहीं सकते। ये कोरोना त्रिदोषों को बढ़ाता है, सबसे अधिक कफ दोष को बढ़ाता है, और कफ के लिए सबसे अच्छा होता है दूध में हल्दी सिराजी चरप्रास। कफ के लिए सबसे अच्छा है श्वासारी श्वासारी वटी श्वासारी गोल। कफ के लिए सबसे अच्छा है काली मिर्च और बादाम, ऐसे ही चबा करके खा लें। कफ के लिए बहुत अच्छा होता है त्रिकुटा चूर्ण, ऐसे ही ले लें सीतोपराधी चूर्ण। ये छोटे छोटे उपाय जो युगों से हमको पता था हम भूल गए थे, गिलोय और तुलसी, करीब 1 फीट गिलोय की डंडी, ये जो सब रोगों का भगाने वाली एक डंडी है, करीब ये 2 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है। ये करीब 2 फीट की डंडी है, पति पत्नी या पूरे पूरा परिवार है तो थोड़ा इतना बहुत है, और इसमें 10-15 पत्ते तुलसी के डालें, इसको अच्छे से कूट करके, और करीब 2 गिलास पानी में पका लें, आधा गिलास बच जाए तो थोड़ा हनी मिला के, बिना हनी के भी पूरा परिवार ऐसे पी सकता है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो मैं कह रहा था इसमें कोरोना में कफ दोष बहुत बढ़ता है, वात दोष बढ़ता है, तो गिलोय से भी वात दोष दूर होता है। घर में हल्दी मेथी सूंठ ले ले, और मेथी को अंकुरित करके भी सुबह सुबह खा सकते हैं। और वात दोषों के लिए अश्वगंधा अश्वशिरा, ये 5 अच्छी चीजें हैं जो योगों से हमारे पूर्वजों ने अपनाई थी। और पित्त दोष के लिए तो बेस्ट है एलोवेरा वीट ग्रास और लौकी का जूस। बहुत ज्यादा जिनको पित्त दोष बढ़े हुए तो मोती पिष्टी भी जबरदस्त इसमें काम करती है। तो मैं कह रहा था कुछ खड़े खड़े अभ्यास ऐसे कर सकते हैं, और किसी को ज्यादा ही पहलवानी करनी है तो थोड़े से ऐसे ऐसे 10-20 बार ऐसे ही कर लिया तो इससे मजबूती बन जाती है।